हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? अब जो विंटर की शुरुआत हो गई है तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, थोड़ा मेरा गला भी लग गया था तो मुझे लगा कि मुझे सूप अब स्टार्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वेजिटेबल सूप बनाया। तो मैंने सोचा उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ। वेजिटेबल सूप के लिए सीजनल वेजिटेबल या जो आपको पसंद हो वो वेजिटेबल यूज़ करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया था जिंजर एंड गार्लिक, 1 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है पैन में। उसके बाद मैंने यहाँ पर जिंजर और गार्लिक डाला है, जिसमें गार्लिक थोड़ा ज़्यादा डाला है और जिंजर डाला है चॉप करके बारीक बारीक। उसके बाद यहाँ पर जो वेजिटेबल मैंने यूज़ करे हैं वो कैरेट है, ब्रोकली है, कैबेज है, और आप ऑनियन भी चॉप करके डाल सकते हैं। मैंने ऑनियन यूज़ नहीं किया है। और फिर उसको थोड़ी देर हम सॉटे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये 1 बोल सिर्फ मेरे लिए मैं बना रही थी, अपने लंच के टाइम पे मैंने इसको बनाया है तो एक प्रॉपर मील मेरे लिए हो गया है। और 1 बोल मैंने यहाँ पर पानी या 1 ग्लास पानी आप समझ सकते मैंने यूज़ किया है। और उसमें मैंने जो आपने देखा पाउच, वो आप कोई भी वेजिटेबल सूप का पाउच अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट बनाना तो उसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जो सॉसेस के साथ बनाया जाता है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने फ़िलहाल जब पानी बॉयल हो गया तो वो इंस्टेंट जो सूप होता है वेजिटेबल का वो मैंने ऐड कर लिया है 1 सैशे। उसके बाद मैंने जब वो बॉयल हो गया तो थोड़ा सा मैंने एग वाइट यूज़ किया है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और एग वाइट नहीं डालना चाहते तो आप पूरी तरह से उसे स्किप कर दीजिए, तो भी आपका वेजिटेबल सूप रेडी हो जाएगा। तो मैंने लास्ट में इसको एग वाइट को, क्योंकि मेरा लंच टाइम था तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा हैवी हो जाएगा तो इसलिए मैंने उसको ऐड कर लिया, और वेजिटेबल्स तो इसमें हैं ही। तो ये बस बनके तैयार हो जाता है 5 मिनट के अंदर। आपको बस वेजिटेबल्स चॉप करके रखने हैं। और आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे बताएँ। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड किया है और ब्लैक पेपर, ये गले के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप लेमन नहीं डालना चाहते आप स्किप कर सकते हैं, और इसमें एडिशनल ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने इंस्टेंट सूप का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।